नमस्कार नागपुर, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं इस वक्त कस्तूरचंद पार्क में हूँ और आप कस्तूरचंद पार्क में देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो किला दिखाई दे रहा है उसको किस प्रकार से रोशनी लगाई गई है। ये तिरंगा जो होता है वो उसकी उसका रूप इस लाइटिंग के माध्यम से दिखाई दे रहा है। आप देखिए नागपुर में जो है G20 के माध्यम से C20 का आयोजन किया गया है। रेडिसन ब्लू में 20 से 22 तारीख तक के C20 का आयोजन नागपुर के रेडिसन ब्लू में किया गया है होटल में। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये रोशनी यहाँ पे इस कस्तूरचंद पार्क में इस किले को लगाई गई है। ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये कस्तूरचंद पार्क का नज़ारा है और रोशनी से इसे सजाया गया है। जो देश की आन बान शान जो तिरंगा है उसका उसकी लाइटिंग मैं चाहूँगा, देखिए अभी थोड़ी देर के बाद में आपको तिरंगा दिखाई देगा। इस लाइटिंग के माध्यम से तिरंगा का स्वरूप दिया गया है, इसको देखिए अभी थोड़ी देर में दिखाई देगा आपको, मैं बताना चाहूँगा। देखिए देखिए ये हेरिटेज है नागपुर का, एक आन बान शान है कस्तूरचंद पार्क। और देखिए अभी एक तिरंगा का स्वरूप आया है, इसको आप देख सकते हो, नीचे हरा ऊपर में पीला और वो सबसे टॉप में जो है वो नारंगी कलर दिखाई दे रहा है और सफ़ेद कलर भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए तिरंगा का स्वरूप आया है, इस प्रकार से ये कस्तूरचंद पार्क का नज़ारा है। मैं आपको और भी जो C20 के माध्यम से जो नागपुर में C20 का आयोजन किया गया है, देखिए यहाँ पे ये जो बिल्डिंग ये जो है ये मेट्रो स्टेशन है कस्तूरचंद पार्क का, इसे भी सजाया गया है लाइटिंग से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सजाया गया है। मैं आपको और भी नज़ारा दिखाऊंगा नागपुर का, जहाँ पे C20 के माध्यम से किस प्रकार से नागपुर महानगर पालिका की ओर से रोशनी लगाई गई है। तो चलिए चलते हैं अगली चौक की ओर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नागपुर के जो दर्शक है यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे कस्तूरचंद पार्क जो है वो प्रशासन की ओर से ये इसका जो प्रवेश द्वार है वो बंद किया गया है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहे हैं ये दर्शक जो है ये दरवाजे के बाहर से ये दृश्य को देख रहे हैं कस्तूरचंद पार्क को। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हो? कार्तिक तांबोई, नागपुर से ही है। अभी C20 का आयोजन किया गया है नागपुर में, क्या बताओगे आप कस्तूरचंद पार्क में हो? हाँ, कस्तूरचंद पार्क में है एंड यहाँ पे गेट बंद किया है, लेकिन आई थिंक कि गेट शुरू करना चाहिए था जो विजिटर्स है उनके लिए, तो गेट के बाहर से फोटो लेना इज नॉट लाइक, तो गेट शुरू करना चाहिए था। ये निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि गेट शुरू रखना था, क्योंकि C20 का आयोजन जो है 20 से 22 तारीख तक के किया गया है। इस समय में तो भी ये गेट को, कस्तूरचंद पार्क के गेट को शुरू रखना था। जो दर्शक है जो देखने के लिए आ रहे हैं नागपुरवासी, उनके लिए शुरू रखना था। ऐसी ये युवा ये जो युवक है इसका कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कल्याणी तंबोली है। और क्या बताना चाहोगे? मैं नागपुर की ही रहने वाली हूँ। ये KP ग्राउंड का जो गेट था वो खोल देना चाहिए था। ये जो नागपुर की ब्यूटी है, इतना ब्यूटीफुली सजाया है, वो सबको देखने को बनता ही है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, हमको अंदर जाके फ़ोटोज़ क्लिक करने पड़ रहे हैं। निश्चित ये नागपुर का ब्यूटी है कस्तूरचंद पार्क, ये जो है ये नागपुर का ब्यूटी है। और उसको देखने के लिए ये प्रवेश द्वार इस समय तो भी शुरू रखना था, जो C20 का आयोजन जो नागपुर में किया गया है इस समय में तो भी ये शुरू रखना था नागपुर महानगर पालिका में, ऐसे ही ये युवती का कहना है। तो मैं आपको और भी चौक में ले चलूँगा जहाँ पे C20 का जो आयोजन किया गया है इसके माध्यम से जो रोशनी लगाई गई है, मैं आपको अगले चौक में लेके चलूँगा। तो चलिए अभी हम संविधान चौक में हैं और संविधान चौक में ये रिजर्व बैंक है। आप देखिए किस प्रकार से सजाया गया है। ये जो है
पूरे फ्लैग लगाया, फ्लैग का नज़ारा दिखा रहा दिखाई दे रहा है लाइट के माध्यम से। G20 नीचे लिखा गया है और फ्लैग दिखाई दे रहे हैं, जो विदेशों के जो फ्लैग है, अलग अलग जो देश के फ्लैग है वो दिखाई दे रहे हैं। और नज़ारा देखिए किस प्रकार से, ये नज़ारा देखिए, अभी अभी देखिए, अभी देखिए, ये अभी लाइटिंग देखिए आप, किस प्रकार से ये लाइटिंग दिखाई दे रही है। ये रिजर्व बैंक है संविधान चौक में, ये अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये भारत की संस्कृति यहाँ पे साकार की गई है ये संविधान चौक में, जो रिजर्व बैंक पे ये भारत की संस्कृति जो है वो साकार की गई है। मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए ये यहाँ पे जो है ये रिजर्व बैंक है, और रिजर्व बैंक पर आप देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रहा है अलग अलग प्रकार की रोशनाई लगाई गई है, भारत की संस्कृति भी इस पे है, और फ्लावर भी देख सकते हो आप ऑरेंज, और आप देख सकते हो ये ऑरेंज सिटी है, तो ऑरेंज का ये दिखाई दे रहा है रोशनाई के माध्यम से। एक मिनट इधर से आ जाओ। हाँ लो, हाँ देखिए ये नागपुर को टाइगर कैपिटल कहा जाता है वो भी दिखाई दिया। ये संस्कृति देखो, ये मारबत है, मैं बताना चाहूँगा कि नागपुर में मारबत एक फेमस होती है, इसका भी यहाँ पे रिजर्व बैंक पे दिखाई दे रहा है। ये मारबत है, ये काली मारबत, पीली मारबत, ये भी लाइटिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और ये देखिए ये महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ये जो लाइटिंग के माध्यम से दिखाई दे रहा है, संविधान निर्माता जहाँ पे दीक्षा भूमि है, जहाँ महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी वो भी दिखाई दिया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भी दिखाई देता है। ये देखिए बुद्धम शरणम गच्छामि, ये जो दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि का भी यहाँ पे साकार किया गया है लाइटिंग के माध्यम से, आपको मैं बताना चाहूँगा। और भी, और ये भारतीय रिजर्व बैंक देखिए ये दिखाई दे रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मोनोग्राम है वो भी दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार की जो भारत की जो संस्कृति है उसको इस लाइटिंग के माध्यम से साकारा गया है। हम और भी चौक में जाएंगे, उसका वहाँ का भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे, तो चलिए हम आपको अगले चौक का भी दृश्य दिखाते हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पे कुछ युवती भी आई है जो नागपुर की है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताओगे आप? सर पहले तो मैं यहाँ पर शूट करने आई थी, और आप जैसे बड़े लोगों को भी इतना एक्साइटेड होकर शूट करते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। बस क्या देखे आपने? मैंने यहाँ पर जो हर 10-15 मिनट में जो शो चलता है वो पूरा देखा। क्या शो है यहाँ पे? यहाँ पर नागपुर को जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंटली रिप्रेजेंट करती है उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक प्ले टाइप, क्या कहते हैं इसको, वीडियो प्ले होता है। मैं बताना चाहूँगा कि जो नागपुर की जो आन बान शान जो नागपुर को प्रेजेंट करती है उसका वीडियो इस रिजर्व बैंक के माध्यम से, जो लाइटिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि ये रिजर्व बैंक है, और यहाँ पे जो लाइटिंग के माध्यम से यहाँ पे जो नागपुर की आन बान शान है, जो ये सब यहाँ पे रिजर्व बैंक चौक, रिजर्व बैंक पर लाइटिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ऐसी ही इस युवती ने बताई है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगला चौक भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे रोशनी लगाई गई है, तो चलिए अपन अगले चौक की ओर चलते हैं। हाँ मैं संविधान चौक में हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है ये मेट्रो का ये है लाइन है, मेट्रो की लाइन है, और आप देख सकते हो किस प्रकार से G20 भारत
2023 इंडिया इस प्रकार से लिखा गया है। और देखिए ये जो संविधान चौक भी कहलाता है, ये संविधान चौक है। और किस प्रकार से इस मेट्रो के लाइन को सजाया गया है, लाइटिंग से आप देख सकते हो, किस प्रकार से मेट्रो की इस लाइन को सजाया गया देख सकते हो। यहाँ पे साउंड भी लगाया गया है संविधान चौक में, ये देखिए ये साउंड भी है। और यह देखने यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त भी आपको दिखाई देंगे, देखिए पुलिस बंदोबस्त भी दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आगे का जो नज़ारा है, मेरे सहयोगी जो है विजय खौसे जी जो सीनियर रिपोर्टर है, आगे का नज़ारा वो अपने वो बताएंगे। तीन मतवा जगह दोस्तों हो, मेरे सहयोगी भीमराव लोनारे ने आपको नागपुर के G20 का नज़ारा बताया, कैसा सजाया वो बताया है। अभी इस वक्त मैं जो यहाँ पर जो है ये विधान भवन का रोड है, आप देख सकते हैं ये जो विधान भवन में जो पेड़ लगे हैं, पेड़ के ऊपर में रोशनी की है, आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर पेड़ लगे हैं, यहाँ पर पेड़ में रोशनी बहुत ही खूबसूरत ऐसा नज़ारा यहाँ पर दिखाई। और तमाम जो नागपुर निवासी हैं इस नज़ारों को देखने के लिए आ रहे हैं। अभी फिलहाल मैं बताऊँगा आपको 10:15 बजते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी नागपुर में जो है नागपुर के लोग जो यहाँ पर जो है इस नज़ारों को देखने आ रहे हैं। और ये विधान भवन का रोड है, यहाँ पर पौधे लगाए हैं, मैं आपको विधान भवन के तरफ में भी लेके जाऊँगा और वहाँ पे भी बताऊँगा विधान भवन कैसा सजा है और आगे के चौक में भी कैसा सजा है। यहाँ पर मैं खास करके बताऊँगा नागपुर में C20 की जो है बैठक है, तमाम देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हैं और आज का पहला दिन है, वहाँ पर बैठक हुई है, पहले दिन की बैठक हुई है और भी दो दिन और बैठक चलने वाली है। मगर नागपुर में ये जो हम देख रहे हैं बड़ा ऐतिहासिक नाम दर्ज होने वाला है नागपुर का, लोग बहुत उत्सुकता से लोग दिखाई दे रहे हैं। 10 के बजे क्या बताऊंगे दादा, आज यहाँ पर आए हैं, अपना मौसी को भी लेके आ रहे हैं, क्या बताऊंगे, नागपुर पूरा सजा है, बड़ा नागपुर सजा है, क्या बताऊंगे G20 में। सर जी माय नेम इज राय बाबू, बोलिए, माय मदर, मेरी उम्र में फर्स्ट टाइम है ये, बिल्कुल 51 साल की उम्र हो गई कि नागपुर का ऐसा सजावट ना 26 जनवरी को देखा ना 15 अगस्त को देखा, इट इज द फर्स्ट टाइम, ग्रेट अचीवमेंट फॉर नागपुर सिटी। आपको लगता नहीं कि ऐसे सजावट हमेशा के लिए रहे, एवरी टाइम नहीं तो ये G20 निकल जाएगा और नागपुर के लाइट सब बंद हो जाएंगे। नागपुर गेट अ रिवार्ड फॉर दिस वन इन महाराष्ट्र, इन 4 cities इट इज कंडक्टेड, इन पुणा, सेकेंड इज संभाजी सिटी, थर्ड वन इज मुंबई। बिल्कुल, ये ट्रैफिक थोड़ा जाम हो रहा है, आप निकल जाइए क्योंकि यातायात को बाधाएं निर्माण नहीं होना चाहिए। हम पूरा नागपुर हमारे दोनों YouTube चैनल के माध्यम से WH News और IBM TV 9 के माध्यम से हम दिखाएंगे और ले चलते हैं हम आपको आगे के चौक की ओर, बताते हैं आगे के चौक का भी नज़ारा हम बताते हैं। अभी मैं लेकर आया हूँ नागपुर के विधान भवन के पास में, यहाँ पर मैं आपको विधान भवन की सजावट भी बताऊँगा। यहाँ पर हर साल शीतल सत्र का अधिवेशन होता है और नागपुर करार के अनुसार ये अधिवेशन भरा जाता है। मैं देख सकता हूँ आपको ये विधान भवन का नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं, ये विधान भवन का जो है नज़ारा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कितनी सुंदर सी ऐसी विधान भवन को सजाया गया है और यहाँ पर हर साल शीतकालीन सत्र होता है, यहाँ यहीं से अपना जो है कानून बनते हैं, विदर्भ में ये अधिवेशन होता है और यहाँ पर हमेशा के लिए ये अधिवेशन यहाँ पर बुलाया जाता है। और ये रहा है विधान भवन का एक ये नज़ारा, तमाम लोग ये पूरा शहर का नज़ारा देखने आए हैं और बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर तमाम लोग जो है नागपुर के जो लोग हैं ये पूरा G20 में जितनी भी सजावट की गई है वो नज़ारा देखने के लिए आए हैं। और भी मैं बताऊंगा आपके एक बाजू में विधान भवन के बाजू में बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है बाटा की बिल्डिंग है, क्योंकि ये बिल्डिंग का जो निर्माण है विधान भवन के सामने होने के कारण इसको रोका गया, लेकिन आज इनका नज़ारा देखिए पूरा तिरंगा है, इसमें तिरंगा के लाइटिंग इसमें सजाई है, बहुत ही गजब का ऐसा नज़ारा यहाँ पर विधान भवन के सामने G20 2023 के लिए यहाँ पर सजाया है, बहुत गजब का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। इतना जो
टॉपिक जो है इतना कभी इतने समय में रहता नहीं है, मगर जो है G20 का जो सजावट है देखने के लिए लोग नागपुर से, पूरे नागपुर के निवासी यहाँ रहे और देश को उत्सुकता है। पहली बार में जो है इतिहास में पहली बार में जो है ये G20 की शिखर बैठक यहाँ पर हो रही है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। नागपुर का एक गर्व ही कहेंगे और नागपुर का नाम इतिहास में बिल्कुल दर्ज किया जाएगा और भी हम आगे लेके चलेंगे और आगे के चौक में क्या नज़ारा है वो भी हम देखेंगे, आप बताएंगे। 10 बजे का समय हो चुका है, बावजूद यहाँ पर जो है यातायात विभाग के कर्मचारी आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है और बहुत सारे जो लोग हैं ये जो नागपुर का नज़ारा देखने आ रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त भी है, सुरक्षा भी है। दादा आप यहाँ पर विधान भवन के सामने सुरक्षा दे रहे हैं, यातायात संभाल रहे हैं, क्या महसूस करते हैं जो पूरा नज़ारा जो है लोग आ रहे हैं, क्या आपको क्या तकलीफ होती है? महसूस ये है सर, महसूस ये है कि हमारी जो जनता है इनको किसी प्रकार का वाहतुक में अड़चन ना होए और ये जितना अच्छे से हो जाए कि ये सारी जो चीज़ें देखने को इनको मिल रही है देखभाल करके यहाँ से सुदृढ़ घर की तरह ने अपने घर में अच्छे से देख दाख करके अच्छे से जावे, किसी को तकलीफ भी ना हो यार। जो नागपुर में जो सजावट हुई वो भी देखने को आनंद उनको लोगों को मिला। जी हाँ, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का हमारी जो जनता है इनको कोई तकलीफ ना होए, इनको जो ट्रैफिक का जो माध्यम है इस माध्यम से लोग चलना चाहिए उस हिसाब से हम इनको बराबर लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, हम भी देख रहे हैं बिल्कुल बाकायदा एकदम व्यवस्थित यहाँ पर आप भी ट्रैफिक संभाल रहे हैं। कितने दिन तक रहेगा ये सर? मे बी 2 या 3 दिन चलेगा। हाँ, और जितना हमारे से होगा हम ट्रैफिक की तरफ से अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इनको इतना अच्छा हो सके उतनी सहूलत दे। सभी की जिम्मेदारी है, शहर में ट्रैफिक पुलिस की भी है और लोगों की भी जिम्मेदारी है अपने अपने हिसाब से आके अपने शहर का नाम रोशन करे, ट्रैफिक यातायात भी बराबर संभाल के चलना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी। बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर जो है यातायात विभाग के जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके लोगों की जो है देखभाल कर रहे हैं, किसी को नुकसान न होना चाहिए, ट्रैफिक बराबर व्यवस्थित संभाल रहे हैं। ये विधान भवन का हमने परिसर बताया और आगे भी चल के हम आपको बताएंगे, तो चलिए आगे के चौक की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो VIP रोड है और ये जो आयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय के और भी निकला और गजब का जो है पेड़ पे लाइटिंग सजाई है आप देख सकते हैं और तमाम लोगों की यहाँ पर देखने के लिए भीड़ भी जुटी है आप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पेड़ पौधे पर ये जो लाइटिंग सजाई है आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और G20 की जो बैठक है नागपुर के अंदर हो रही है, आज पहला दिन हुआ है और नागपुर जो सजा है उसे देखने के लिए नागपुर कर बहुत आतुर हुए हैं। मैं खौसे साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ बोलिए। ये जो है बोलिए नागपुर का जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तरफ जाने वाला मार्ग है। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और जा रहा ट्रैफिक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर जाने वाला मार्ग है। हाँ हाँ। और इसी मार्ग पर आप ये जो नज़ारा जो है, हाँ हाँ, ये G20 जो नागपुर में जो आयोजित किया गया 20 से 22 तारीख तक के, बिल्कुल, तो ये रोशनी जो लगाई गई है ये पेड़ पौधों पे बहुत ही गजब अच्छा नज़ारा है, गजब की ये रोशनी लगाई है और ये नागपुर का भी नाम एक रोशन होने वाला है पूरे देश में और देश में नहीं विदेश में भी नागपुर का नाम अभी गया है, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर G20 का मैं आपको बताऊंगा, साउथ कोरिया के भी यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा है साउथ कोरिया का, कुछ रशिया का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है नाम बोर्ड लगा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा आपको, हाँ ये जो है अभी जो C20 में जो जिन्होंने हिस्सा लिया है, हाँ हाँ हाँ, रशिया है, हाँ, और मैं और आगे में बताना चाहूंगा आपको। बिल्कुल, ये देखो ये रशिया का फ्लैग दिखाई दे रहा है, का फ्लैग है ये, लाइटिंग जो है ना, हाँ, ये रशिया का फ्लैग दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम करके बताइए, जूम करके बताइए रशिया का फ्लैग। तमाम देश विदेश से यहाँ पर प्रतिनिधि आए है C20 के बैठक में। देखिए आप देख सकते हैं कितना लंबा ये कतार लगी है, वाहनों की कतार थोड़ा बताइए बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो रात का नज़ारा जो है ये रात का नज़ारा है देखने के लिए नागपुर कर जो है आए हैं वो बताइए नज़ारा देखने के लिए डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये यानी
कोर्ट मार गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मार गए ना, वो 17 न्यायालय मार गई है, पूरा रोशना ही लगाई है। ये सिविल लाइन में आता है, पूरा सिविल लाइन है ये। ये देखो, ये सऊदी अरब, ये देखिए सऊदी अरब का भी प्रतिनिधि यहाँ पर नागपुर में अभी आया है, सऊदी अरब के भी आए है। यहाँ पे जो ये C20 में जो हिस्सा लिया है, सऊदी अरब का भी एक प्रतिनिधि यहाँ पर आया है। और यानी अलग अलग का इंडिया नागपुर, ये देखिए मैं बताना चाहूंगा, G20 नहीं क्या? आप बताइए थोड़ा सा। वो G20 का जो बोर्ड है, वेलकम टू नागपुर, मतलब नागपुर में जितने भी देश विदेश से जो प्रतिनिधि आए उनका स्वागत भी नागपुर कर रहे हैं। और तमाम जो अब लोग नागपुर कर जो है बड़े उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। नागपुर का जो नज़ारा जो दिख रहा है आपको, हम बता रहे हैं हमारे WH न्यूज़ और IBM TV 9 के माध्यम से हम पूरा नज़ारा बड़ी मेहनत के साथ में हम ये वीडियो बना के आपको आपके घर तक के पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको भी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तमाम जो भीड़ है आप देख सकते हैं, बढ़िया गाड़ियों के यहाँ पे बताना चाहूंगा। जो है वो 10 बजे का समय है, और इस रोशनी को देखने के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे है, बिल्कुल किस प्रकार से यहाँ पे ऐसा नागपुर वासी आए हैं लोनर। जैसा अगर अपन बीच में अगर देखा जाए तो ये सिविल लाइन में ज्यादा भीड़ नहीं रहती है, मगर इस वक्त में आप देख सकते हो वो बिल्डिंग में, कोर्ट की बिल्डिंग में, बताइए G20 का वो जो न्यायालय है नागपुर का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें भी वहाँ पे देखिए G20 का सिंबल दिख रहा है, बहुत बहुत ही गजब का। भारत 2023 लिखा गया है, देखिए ये जो नजारा है, ये देखिए G20 का भारत 2023, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे G20 भारत 2023 का लिखा गया है। डॉक्टर साहब आप आगे का थोड़ा सा बताइए, ये क्या नहीं ये GPO ऑफिस भी बताइए थोड़ा सा GPO ऑफिस भी बताएंगे। बहुत ही देखिए पेड़ के ऊपर में जो रोशनी की है ना, बहुत ही गजब की रोशनी की है, बहुत ही गजब। सही वाकई में जो नागपुर जो अभी हम देख रहे हैं, ऐसे हमेशा के लिए ही रहना चाहिए, ये ऐसे ही नागपुर कर का भी कहना है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि G20 के माध्यम से पूरे विश्व में नागपुर का नाम गया है, क्योंकि C20 का आयोजन G20 के माध्यम से नागपुर में किया गया है। बिल्कुल, आज 22 तारीख तक आज बैठक भी हुई है, आज खास करके बताऊंगा रेडिसन ब्लू में एक बैठक भी हुई है C20 की, यानी 20 से 22 तारीख तक के है। बिल्कुल देखिए लोगों की उत्सुकता देखिए यहाँ पर, देखिए ये नजारा क्या है ये अपन, बिल्कुल ये बताइए, लोग बड़े सेल्फी निकाल रहे हैं यहाँ पर, टाइगर बताए हैं, क्योंकि ये टाइगर कैपिटल जो शहर है यहाँ पे गोरोवाडा ट्रॉफी है, ये थोड़ा लोगों का बताइए, ये देखिए देखिए ये लोग जो है टाइगर कैपिटल का ये सीन बताया है। नागपुर का 17 न्यायालय, बिल्कुल बहुत ही गजब का परिसर है, लोगों की बड़ी उत्सुकता है नागपुर कर की कि शहर कैसा सजा है, ये देखने की उत्सुकता लोगों में है। आप तमाम भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर, लोगों की बड़ी उत्सुकता है वाकई में, कई सालों के बाद जो है ये नजारा नागपुर करके दिखा। ये जो है देश को एक सम्मान मिला है G20 के माध्यम से, तो अपने को उत्सुकता रहना भी चाहिए। और नागपुर का तो ये देखो ये नजारा देखो, ये नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा पेंटिंग भी बता दीजिए, दीवार के ऊपर में पेंटिंग हुई है, मतलब शहर के अंदर में नागपुर शहर के अंदर में जितनी भी दीवारें हैं पूरी दीवारों के ऊपर में पेंटिंग हुई है, पूरा नागपुर जो है सजा है। हम ये आपको हमारे दोनों चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, बढ़िया गजब का नज़ारा है, और बड़ी खुशी की बात है यहाँ पर जो लोग 10 बजे घूमने का समय हुआ फिर भी यहाँ पर लोग आए हैं, ये दो दिन नज़ारा किया है, यातायात को बाधाएं ना पहुंचे इसके ऊपर भी लोगों ने ध्यान देना चाहिए। हम आगे की ओर लेके चलते हैं, आगे का भी हम आपको विभागीय आयुक्त कार्यालय जो है वो भी बताएंगे, जो जहां जहां पर ये सजावट मैं बताना चाहूँगा, बोलिए जो है ये पुराना हाईकोर्ट है, ये जो है उधर जाएंगे अपन लोनारी जी, उधर ये जो है नजारा जो हाँ नहीं वो पुराना हाईकोर्ट को देखिए,
किस प्रकार से सजा गया है, तिरंगा दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है, बहुत ही गजब का तिरंगा का प्रतिकृति दिखाई दे रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देख सकते हैं आप। ये सुयोग आप ये बताइए थोड़ा सा। हाँ ये सुयोग बिल्कुल सजाया नहीं है, ये बिल्कुल मेन रोड जो है मेरे ख्याल से यहाँ से जो है अपने जो प्रतिनिधि जो है C20 के जो बैठक में जो लोग आए हैं देश विदेश से वो यही रास्ते से गुजरते होंगे क्योंकि हाँ इसलिए ये जरा अच्छे से सजाया है। ये जीपीओ को नहीं सजाया, जीपीओ चौक है, ये जीपीओ चौक ये और जीपी को जीपीओ को भी नहीं सजाना चाहिए था। नहीं सजाया, क्यों नहीं सजाया जीपीओ के साथ में, क्यों अन्याय किया है। जीपीओ चौक है, डॉक्टर साहब इसको सजाना तो होना था। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐतिहासिक है, ये जनरल पोस्ट ऑफिस है, प्रधान मुख्य कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बाद क्यों नहीं सजाया, ये भी जीपीओ रोड को सजाया है, चलो कोई बात नहीं है, रोड को सजाया लेकिन जीपीओ को भी सजाना चाहिए था। अभी हम आगे और लेके चलते हैं आपको थोड़ा। हाँ ये बहुत रोशनी बहुत ही यानी बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुरवासी अभी रात के 10:10 हुए हैं तो भी लोग यहाँ पे रोशनी देखने आया है नागपुर में। थोड़ा काफी थोड़ा ये लगाई गई G20 का ये देखिए, ये आप ट्रैफिक पुलिस में देख सकते हैं अभी रात के 10 बजने के बाद में भी यहाँ पर पूरे आता है, तैनात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे तैनात है, यहाँ पे आप देख सकते किस प्रकार से। देखिए पुलिस क्या बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगे आप? मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा। नहीं नहीं, अपने यहाँ पर जो देश विदेश से आए उनका तो स्वागत कर सकते हैं। बिल्कुल, उनका मेरे दिल से स्वागत है, उनका मेरे पूरे हिंदुस्तान से उन फॉरेनर लोग जो आए हुए हैं पूरे 20 देश के 19 देश के उनका दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और इंडिया को गर्व होना चाहिए कि G20 का आयोजन इस नागपुर में किए, यानी पूरा भारत को इसका सम्मान मिला है G20 का, और नागपुर में C20 का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत सलूट है आपका, हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, रात के 10:15 है तो भी आप तैनात हो, सलूट है आपको। निश्चित रूप से हमारे हमारे यहाँ आप थोड़ा सा उसका थोड़ा झूम करके बताइए, थोड़ा झूम करके वो G20 का झूम करके बताइए थोड़ा, हम फिर उसके बाद में हम वो विभागीय आयुक्त कार्यालय की तरफ में लेके जाएंगे। और यहाँ पर तमाम जो है 10 बजने के बाद में भी यहाँ पे हमारे यातायात पुलिस अभी भी यहाँ पर ड्यूटी पर है, बाकी दिन नहीं रहते। थोड़ा सा बताइए। हाँ ये देखिए बूथ बताइए थोड़ा। हाँ देखिए यार, ये भी डिजिटल बूथ बनाए हैं यहाँ पे पुलिस कर्मियों के लिए, ये डिजिटल जो बूथ है ये बूथ बनाए हैं, और बहुत ये सुंदर है। ये GPO चौक है यहाँ पे नागपुर का जो है, ये GPO चौक है, हम पूरा आपको ये बता रहे हैं। और वो रोशनी तो गजब की है, बिल्कुल देखने लायक रोशनी। क्या आप क्या बताओगे दादा, बहुत बढ़िया लग रहा है, लग रहा है ना। हाँ मेरे गार्ड लगे नाइट में करते हैं गार्ड। अच्छा, हाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे पूरे नाइट में। अच्छा, बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है। बिल्कुल, जो भी जो है जो भी लोग जो है इस लाइटिंग की और G20 की सराहना कर रही है, बहुत अच्छा काम है और हमारे नागपुर के लिए ये बहुत गर्व की बात है। और अभी हम आपको लेके चलेंगे विभागीय आयुक्तालय की तरफ में, क्या क्या किस तरीके की हुई है वो भी थोड़ा बताएंगे हम, ले चलते हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए हाँ ये देखिए मैं ये जो है विभागीय आयुक्त कार्यालय है, और देखिए हमारे नागपुर पुलिस तैनात है, सलूट है आपको। बिल्कुल, नागपुर पुलिस तो बिल्कुल है अपनी सेवाएं दे रही है, क्योंकि लोगों का बड़ा उत्साह है, इसलिए यातायात संभालने के लिए नागपुर पुलिस का बड़ा योगदान है, बड़ी खुशी की बात है। और लोगों ने भी ऐसे समय में पुलिस को सहकार्य करना चाहिए, क्योंकि सभी के जरूरी है, सभी की जिम्मेदारी है, ये हमारे नागपुर की आन बान शान है। हाँ, थोड़ा आपको और देश की आन बान शान है, मैं बताना। हाँ, अभी ये विभागीय आयुक्त कार्यालय है अभी, बराबर ये बताइए थोड़ा। ये अंधेरा है। अच्छा, बिल्कुल दिखेगा नहीं थोड़ा हमारे कैमरे में। अभी थोड़ा हम विभागीय आयुक्त कार्यालय की तरफ में आपको लेके चलेंगे, उसकी भी सजावट देखेंगे। बहुत ही पुराना कार्यालय है, लाइटिंग से बहुत बड़ा, जैसा लग रहा है कि दिवाली है यहाँ पे नागपुर है ना, दिवाली का माहौल लग रहा है पूरा। दिवाली का देखिए ये जो है, ये साहब आपने जो ऐसी बताया कि ये विभागीय आयुक्त कार्यालय है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नागपुर के जो लोग हैं। पूरा बताइए मैं बताना चाहूंगा, आप बताइए थोड़ा सा आपके माध्यम से बताइए आप। ये विभागीय आयुक्त कार्यालय है और बड़ा रोशनी से सजाया हुआ है,
बहुत ही रोशनी लगाई गई है, ऐसा लगता है कि नागपुर में दिवाली है। अरे बेटा आप देख के आए हैं, इधर इधर में आइए थोड़ा, बोलिए ना। आजा बेटा, हम बताते नहीं किसी बोलते नहीं है, क्योंकि जो G20 का जो यहाँ पर बैठक है, आपने देखा है क्या, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है हाँ। क्या बताऊंगी अब सरकार को, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया। हमेशा के लिए ऐसा रहना चाहिए, आपको ऐसा लगता नहीं क्या? रहना चाहिए, बस बिजली का बिल बहुत आएगा ना। बिल्कुल, देखिए हमारे जो विदर्भ की लड़कियां है उसको वो भी चिंता है। मैं बताऊंगा आपको, लाइट तो रहना चाहिए मगर बिजली के बिल की भी चिंता है। बहुत अच्छी अच्छी बात है। फिर ये जो अधिभार आएगा, ये नागपुर वासियों को ही आएगा ना। हाँ बराबर है, ये बात बराबर, कौन भरेगा? हाँ ये भी बात बराबर है, वासियों को ही भरना पड़ेगा। सब बराबर है, बराबर है, ये बच्ची ने। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जो नजारा है ये मैं बताना चाहूंगा, ये विभागीय आयुक्त कार्यालय का है। बिल्कुल, और क्या कहोगे आप खौसे साहब, इसको देख कर नहीं नहीं बिल्कुल। क्या नाम है आपका बेटा? ये इधर आइए थोड़ा, नजारा आप नजारा देखिए। क्या क्या नाम है? ज्ञान काकानी। क्या देखने आए हो आप? ऐसे नजारे देखने आए थे। कैसा नजारा है? ऐसी लाइटिंग्स। क्यों ये नजारा क्यों किया है नागपुर शहर में, आपको पता है? हाँ, क्योंकि G20 का आयोजन हुआ है, उसमें एक C20 रहते हैं जहाँ पे G20 के सारे गवर्नर्स आते हैं। हाँ। तो उस C20 के लिए हमारा सिटी निश्चित किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये C20 के जो बैठक में क्या क्या लोग ये जो आए हैं देश विदेश से, ये क्या क्या निर्णय लेते हैं कि हमारे समाज ऐसे नेचर में क्या विकसित किया जाना चाहिए, शेर को बचाना चाहिए, ऐसी चीजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक पूरे वातावरण में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ज्ञान। कौन सी क्लास में हो? 9th। क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इंजीनियर बनना चाहता है लड़का, इंजीनियर बन के भी ऐसा ही एक बहुत खूबसूरत पिक्चर। डैडी भी है इनके परिवार के साथ, आइए ना थोड़ा। हाँ, क्या आप बच्चों को लेके आए हैं? बहुत बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को लेकर ये जो भी नागपुर शहर में जो G20 C20 का जो नज़ारा है वो दिखाने हैं। आप क्या कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नया एक अपने देश में हो रहा है, और ये मोदी जी के आने के बाद में ये सब संभव हो पाया है। अच्छा, नहीं तो पहले अपने देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका के पीछे, तो मोदी जी आए तो महंगा भी बड़ी है, गैस सिलेंडर के रेट 1150 हो गए ना साहब। आपको कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। तो ये तो सामान्य के लोगों के जब से जाएंगे ना, ये तो सस्ता करना चाहिए ना मोदी जी ने। आप मेरे को एक चीज बताइए, कांग्रेस राज में करप्शन क्या था और आज करप्शन क्या है? अभी करप्शन नहीं है क्या? कितना परसेंट करप्शन है ये तो बता दीजिए। बिल्कुल खत्म हुआ क्या? आज एक भी चार्जेस आप किसी भी गवर्नमेंट पे बता दीजिए करप्शन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक भी चार्जेस। आप महत्वपूर्ण क्या किस चीज को महत्व देंगे, इस लाइटिंग को देंगे या गैस सिलेंडर को देंगे? साहब सभी चीजें अपनी अपनी जगह पे। नहीं, मेरा सवाल का जवाब दो, इस लाइटिंग को देंगे या गैस सिलेंडर को देंगे? मेरे को एक चीज बताइए, गैस सिलेंडर नहीं, मेरे को ये बताइए आप महत्व किसको देंगे, गैस सिलेंडर को देंगे कि इस लाइटिंग को देंगे? सब एक ही सवाल मेरा, गैस सिलेंडर को महत्व देंगे, लाइटिंग को देंगे, दोनों चीजों को महत्व अपने अपने जगह पे बरोबर है ना? बिल्कुल बरोबर। गैस सिलेंडर का सस्ता होना चाहिए और महंगा होना चाहिए? और महंगा हुआ तब भी चलता है। कैसा बोलिए क्या सुविधाएं दे रही थी आपको? मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे को एक चीज बताइए, आज जो पूरे इंडिया में रोड बन रहे हैं, ठीक है ना, बराबर है, वो किसके वजह से बन रहे हैं? किसके वजह से रोड बनेंगे तो जब पैसा किसके जब से जाएगा? पब्लिक के जब से जाएगा, फिर पब्लिक को भुगतान करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा ना। G20 में कितना खर्चा हो रहा है आपको पता है क्या? 200 करोड़ रुपए के ऊपर। 200 करोड़ रुपए किसके जब से निकालेंगे? पब्लिक के जब से जाएंगे। तो फिर पब्लिक के जब से अगर सरकार खर्चा निकलती है निकालेंगी तो फिर पब्लिक क्या सोचेंगी? कुछ नहीं सोचेगी, बहुत अच्छा सोच रही है। आप कौन सी पार्टी से हो? मैं किसी पार्टी से नहीं। ना बीजेपी के हो? बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप देखिए ये भैया कह रहे हैं कि हम गैस सिलेंडर को 1150 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है, आप क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जीवन आवश्यक वस्तु महंगी नहीं होना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? सही बात है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, खाने पीने की चीजें सस्ते होना चाहिए। पेट्रोल महंगा हुआ है बहुत ज्यादा, LIC बेचा है, सही बात है, नहीं बेचना चाहिए। रेलवे बेची है? नहीं बेचना चाहिए। G20 के यहाँ पर बैठे के बड़ी खुशी की बात है। खुशी है, गरीबों को क्या चाहिए?
गरीबों को नहीं मुफ्त का अनाज तो मिल रहा है। मैं आप बताऊँ मुफ्त का अनाज बोल रहे हैं आप, अगर देश में मुफ्त का अनाज अगर दिया जाएगा तो देश अमीर बनेगा या गरीब बनेगा? गरीब ही बनेगा। तो देश आपको गरीबी चाहिए क्या? किसने बोल दिया? आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप ये आप बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं ना देश की जनता को क्या चाहिए? आप बोल रहे ना उसका जवाब, आप बोल रहे मुफ्त में अनाज चाहिए तो देश गरीब बनेगा क्या अमीर बनेगा? तो भाई उसी के लिए तो सब चीजें तैयार। देश में 80 करोड़ लोगों को अगर धान्य मुफ्त में दिया जाता तो वो देश की गिनती विश्व में वो गरीब देश गिना जाएगा, मगर एक भारत ये विश्व देश बनने जा रहा है। मुफ्त का अनाज क्यों चाहिए फिर यहाँ पे आपको? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी धीरे धीरे सब बंद होगा। तो बंद होगा तो फिर फायदा होंगे या नुकसान होगा? फायदा ही होगा ना। कैसा होगा बताइए? लोगों को मेहनत करने की आदत गिरेगी। हाँ। अभी फुकट का खाने की आदत है। निजीकरण में लोगों को फायदा होंगे नुकसान होगा? फायदा ही है। कैसा फायदा? गवर्नमेंट सेक्टर नौकरी चली गई। किसकी गई? लोगों की गई, हमारी लोगों की गई, आपकी गई, लोग पेंशन पेंशन के लिए आंदोलन। मेरे को एक चीज बताइए, आपकी नौकरी गई, जिसको काम नहीं करना है उसके लिए बहाने हैं, जो काम के लिए दौड़ रहे हैं पास में 50 काम के लिए दौड़ रहे हैं। मैं खुद कैपेबल हूँ बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। बेरोजगारी क्या आते मेरे खेत में 50 लोगों को काम करने के लिए बताइए? बिल्कुल लोग आएंगे, काम नहीं मिले। मेरा नंबर लीजिए, काम नहीं मिल रहा है लोगों को, खेत का भी काम नहीं। अरे भाई साहब मैं काम क्या रोजी देंगे आपके खेत में? रोजी क्या देंगे आदमी को? रोजी क्या देंगे आदमी को? 350 रुपए, भाई को 200 रुपए। भैया 350 में सिलेंडर मिलेगा क्या? गवर्नमेंट क्या दे रही है 350 में सिलेंडर? गवर्नमेंट क्या दे रही है? गवर्नमेंट ने कितना देना चाहिए? 350 रुपए देती है ना आदमी को? नहीं नहीं गवर्नमेंट नहीं, कितना देती है सिलेंडर? सिलेंडर 1100 का हो गया सर, तो 300 में होंगे क्या रोज का एक सिलेंडर? मैं क्या बोलता, बोलो सुनिए, जब सिलेंडर महंगा हो सकता है तो लोगों के, जब सिलेंडर महंगा हो सकता है तो लोगों की रोजी भी तो महंगा होना चाहिए ना। तो आपने क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों नहीं बढ़ाई? 300 देते थे 350 कर दिया। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल क्या, और अब रोज का एक सिलेंडर नहीं लगता भाई साहब? 2 महीने में एक सिलेंडर, 1.5 महीने? भैया मेरे को तो 15 दिन में एक लगता है। आपके घर में मेंबर कितने हैं? मेरे घर में मेंबर ज्यादा है इसलिए मेरे को ज्यादा है। कितने हैं? मेरे घर में 6 मेंबर है। 6 मेंबर है ना, तब भी 30 दिन सिलेंडर चलता है। मेरे घर में भी 6 मेंबर है, मेरे घर में 30 दिन सिलेंडर चलता है। किसान हो क्या? हाँ हाँ जी, किसानों को क्या फायदा है? क्या फायदा नहीं है ये बताओ? अभी जो ये जो कल गारपीट वगैरह आई है, कुछ आपको मुआवजा मिला है? अभी तो सर्वे चालू है, मिलेगा। हाँ, आस है आपको मिलेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आस है। मेरे साथ महिला भी है। दीदी आप बताइए, सिलेंडर के रेट जो है अभी 1150 रुपए है, आपके किचन का तो हिसाब बिगड़ गया ना। आप यहाँ पे पूरा नजारा देखने आई हो, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी उसको सपोर्ट करते हैं इस नजारों को, मगर जो अपने गरीब लोगों के किचन के ऊपर में जो फर्क गिरा है उसके ऊपर में आप क्या कहेंगे? तो कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं। लेंगे क्या 1150 का सिलेंडर? तो लेना ही पड़ेगा ना, खाना है तो लेना ही पड़ेगा। हाँ अच्छा बिल्कुल, सिलेंडर चाहे कितना भी महंगा हो लोग लेंगे, मगर जो है वो लोग 370 खत्म करने की ताकत किसी में थी क्या? नहीं 370 में अभी भी कश्मीर में जाके ताकत थी क्या? देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने 370, मेरे को ये बताइए 370 खत्म होने के बाद में भी कश्मीर में अभी भी हमले हुए नहीं क्या? हो रहे ना? क्यों हुए? हो रहे ना, क्यों हुए? कांग्रेस के राज में जितने होते थे क्यों हुए? 10% भी नहीं है, वो होना ही नहीं था। 370 जब लगा तो होना ही नहीं था। हर चीज को समय लगेगा। नहीं नहीं बिल्कुल, हर चीज को समय लगेगा। कांग्रेस के राज में जितने कांग्रेस विरोधी देश में आते, आप कांग्रेस विरोधी दिख रहे हैं। मैं कांग्रेस विरोधी, आप बीजेपी समर्थक दिख रहे हैं। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, फिर क्या? मैं सुनील, आप महंगाई की बात, उसके समर्थन में हूँ। नहीं आप कांग्रेस के विरोधी है? मैं कांग्रेस विरोधी, बीजेपी के समर्थक है। मैं कांग्रेस विरोधी नहीं हूँ और बीजेपी का समर्थक भी नहीं हूँ। जहाँ आलोचना करनी है मैं मोदी जी, बताइए 370 कलम हटाई अच्छी बात है, मगर वहाँ पे कश्मीर में अभी भी लोगों को हत्याएं हो रही ना? ठीक है ना, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? देखिए वाह रे वाह, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए देखिए अभी भी कश्मीर में हत्या हो रही है, पंडित लोगों की हत्या हो रही है और ठीक हो रही है गुरु जी। बम ब्लास्ट में जान जाती थी और आज कितने लोग अभी भी जा रही है? आपके देश के सभी भी जा रहे हैं। कांग्रेस राज में सर काट के लेके जाते थे, मोदी राज में सर काट के लाने का रिवाज चालू। कितने सर काट के लाइए बताइए मोदी सरकार में? पूरे दुनिया में सरकार एक चीज बताइए ना, आप
G20 में सुनिए, हमला होता था तो आप अमेरिका के पास में जाते थे, भाई साहब हमारे देश पे हमला हो गया कुछ कीजिए। अभी लोग अब मोदी जी के पास में आते, साहब वहाँ पे वार हो रहा है, उनको सुलझाइए ना। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, राम मंदिर का निर्माण किया है, अयोध्या में भी बनाया है, बहुत अच्छा है। आपके कुछ सैनिक मारे गए थे उसके, भैया ये तो सैनिक हर सरकार में मारे गए हैं, मोदी जी की सरकार में भी मारे गए हैं, मर रहे क्यों फिर? ऐसा नहीं, चीज बताइए, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान पे या किसी भी देश पे आपकी हुकूमत तो नहीं है ना, उनका धंधा ही टेररिज्म है। जब तक कि वो टेररिज्म नहीं करेंगे उनके देश में रोटी नहीं बनेगी। नहीं ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं क्या? चलो अभी और आगे भी चलो, आपका शुक्रिया हमारे चैनल में बात करने के लिए, बहुत बढ़िया बात किया। और हम खास करके हम यहाँ पर जो लोग आए हैं हम उनसे उनकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि उनके भी मन में क्या है इस को लेकर। बहुत ये जो नागपुर कर रही है सारे लोगों की हम प्रतिक्रिया जानने चाहते हैं। ये पूरा जो है आयुक्तालय का जो है नज़ारा है, और हम आपको आगे भी लेके चलेंगे, आगे भी लोगों की ऐसी ही जो भावनाएं हैं हमारा जानने का प्रयास है, लोगों को मन में क्या है, वाकई लोगों के मन में क्या है वो जानना हमारा काम है। तो चलिए आगे हम लेके चलते हैं आपको। अभी मैंने आपको पूरा रही नज़ारा बताया है, और अभी हमारे सहयोगी जो है भीमराव लोनारी जी आपको आगे का जो है नज़ारा वो दिखाएंगे, तो आप आइए आगे का नज़ारा देखिए भीमराव लोनारी जी के साथ में। तो अभी तक के आपके साथ में मेरे सहयोगी जो है वो विजय खौसे जी आपके साथ में थे, अभी मैं भीमराव लोनारे आपके साथ में हूँ, और इस वक्त मैं विभागीय आयुक्त कार्यालय में हूँ। देखिए किस प्रकार से ये विभागीय आयुक्त कार्यालय में रोशनाई लगाई गई है। G20 के माध्यम से नागपुर में 20 से 22 तारीख तक के C20 का आयोजन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो नागपुर शहर है वो रोशनाई लगाई गई है, रोशनाई से सजाया गया है। मैं बताना चाहूंगा, आप इस रोशनाई को देखने के लिए आए हैं, क्या बताओगे? देखो आज के तारीख में ये सब चीजें जो नए जनरेशन में बच्चों को देखने मिल रही रोशनाई, ये है अभी अपने आप जो G20 हो रहा है इसी कारण से नागपुर को सजाया गया है। लेकिन हम सोचते कि इसको परमानेंटली रहने देना चाहिए, इससे स्वच्छता हो रही है नागपुर में, लोग गंदगी करने को खुद को बहने सोच रहे हैं कि मैं यहाँ थूकूँ या नहीं थूकूँ। लोग कहीं पे भी यूरिन के लिए खड़े हो जाते थे, आजकल उसके लिए भी सोच रहे हैं लोग बाग। इससे थोड़ा सा अच्छा हो गया, नागपुर सुंदर दिख रहा है, आपने अच्छा लग रहा है। आपने कहा कि नागपुर में ऐसी ही रोशनाई रहना चाहिए, लेकिन ये नागपुर का एक हिस्सा है, दक्षिण नागपुर दक्षिण पश्चिम एरिया है, सिविल लाइन में किया गया है, लेकिन उत्तर नागपुर हो गया, पश्चिम नागपुर हो गया, वो क्यों नहीं सजाया गया? आपकी बात सही है, लेकिन जो अपने यहाँ पे जो विदेश से पर्यटक जो आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ये लोग कहाँ आने वाले हैं? सिविल एरिया में, वो तो अपने बाकी पूरे नागपुर में घूमने वाले नहीं। नागपुर सिर्फ इतना ही है क्या? दक्षिण नागपुर या दक्षिण पश्चिम नागपुर इतना ही है क्या? ऐसा नहीं है। अब देखो पूरा इतना इनने जो सजाया, इसके लिए इनको जो भी आर्थिक खर्चा जो आया है ये तो अपने जेब से जा रहा ना, वो ठीक है ना, लेकिन वो पूरे शहर को थोड़ी इतना करेंगे, लेकिन फिर भी नागपुर पहले से। मैं आपको बताना चाहूंगा, नागपुर इतना है, दक्षिण नागपुर या दक्षिण पश्चिम नागपुर इतना ही नागपुर नहीं है, नहीं पूरा नागपुर दिखाना चाहिए, पूरे नागपुर को सजाना चाहिए था, लेकिन पूरे नागपुर को नहीं सजाया गया, सिर्फ दक्षिण नागपुर दक्षिण पश्चिम नागपुर को ही सजाया गया। क्या ये भेदभाव नहीं है क्या? ये भेदभाव नहीं है क्या? देखो जो भी पर्यटक आ रहा है वो कंजेस्टेड एरिया में जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं? उनको अभी दिखाना चाहिए ना। लेकिन वो तो अपने काम से आए ना, ये तो अपने उनको अपने टाइगर रिजर्व देखने लेके जा रहे हैं, करने के लिए सजा गया इसको, यानी ये सिर्फ देखावा है क्या? देखावा ना, आज अपने नागपुर के जो बेरोजगारी है, अगर उनको अपने नागपुर पसंद आया तो वो अपने को अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते नागपुर। आपको नहीं लगता कि पूरा नागपुर शहर सजाने को होना था? नहीं 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 नहीं, उत्तर नागपुर में भी सजाना थे ना, क्यों नहीं सजा? यहाँ कोई भी नेता रहा, कोई नहीं सजा सकता पूरा नागपुर, क्यों सजाएगा भाई? वो तो पहले अपने जनता की सोचेगा ना कि जनता के लिए क्या फायदेमंद है। यानी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम नागपुर सजाए तो पूरा नागपुर सजाए, दक्षिण पश्चिम का बात ही नहीं है इसमें, इसमें दक्षिण पश्चिम की बात ही नहीं है। नागपुर को आपने विभाजन कर रहे, ये मीडिया विभाजन कर रही, ये जो है, ये जो पब्लिक सामने खड़ी है, ये कोई जरूर थोड़ी कि दक्षिण पश्चिम से आए क्या? नहीं 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 नहीं, पूरे पूरे मत डालिए,
मैं पूरा नागपुर को सजाना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है ना। हाँ तो मैं बताना चाहूंगा आपको, आपको बताना चाहूंगा। हाँ क्या बताएंगे, क्या बताएंगे आप बताओ भैया हमको। मैं ये देखिए, आप क्या बताओगे, देखिए ये महाशय नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे साथ में और भी मेरे भाई लोग हैं। भाई लोग आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे IBM टीवी 9 न्यूज और WH न्यूज पे। क्या लगता है आपको कि अभी देखिए हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत को, हमारे इंडिया को G20 का सम्मान मिला है। लेकिन अभी जो है G20 का जो पहला यानी ये जो है C20 ये नागपुर में आयोजित किया गया, उप राजधानी नागपुर में। आपको नहीं लगता क्या कि नागपुर पूरा शहर सजाना चाहिए, आप बताइए। सर इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, जितना सजा है ये भी काफी है। कम से कम इतना देखने तो मिल रहा है अपने लोगों को। हाँ ये जो दिख रहा है इतना सजा है, ये काफी नहीं है क्या? सजा ही नहीं सकते। आज अपने लोगों को यहाँ आज रात को आ रहे हैं, देख रहे हैं, और कितना जाए। निश्चित 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 ये भावनाओं को, ये जो भावना है, ये जो भावना है ये कि नागपुर शहर जो है G20 के माध्यम से C20 का आयोजन नागपुर में 20 से 22 तारीख तक किया गया है। और हमारे साथ में हमारे मित्र भी है, थोड़े नाराज हो गए लेकिन नाराज होने की जरूरत नहीं है। मत कीजिए, मीडिया वालों से मेरा कहना है पूरा नागपुर का, ये भी भाई मेरा है, वो भी बहन मेरी है, पूरा नागपुर एक है। आप इसमें विभाजन कोई पार्टी नहीं, हम नागपुर का विभाजन नहीं कर रहे हैं। G20 में जो भी फायदा होगा ये जनता का ही फायदा होगा, इसमें कोई पार्टी का काम नहीं है। इसमें क्या फायदा होगा ये बताइए। इससे अगर देखो इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है अपने यहाँ, MIDC इंडस्ट्रियल खुलेगा या बाकी शेयर मार्केट खुल सकता है, IT सेक्टर खुल सकता है, उसमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा ही हमारे बच्चों को, क्यों नहीं मिलेगा? आप क्यों शाश्वती है? शाश्वती मैंने मुझे मालूम है। निश्चित निश्चित रोजगार अवश्य मिलेगा, नहीं चाहिए नागपुर वासियों को रोजगार अवश्य मिलेगा। ये G20 के माध्यम से जो है C20 का आयोजन नागपुर में किया गया है, 20 से 22 तारीख तक के किया गया है। और यहाँ पे देश विदेश से जो अतिथिगण है वो आए हैं और उनके स्वागत के लिए नागपुर शहर को सजाया गया है। और ये जो नजारा है ये विभागीय आयुक्त कार्यालय का है, और ये विभागीय आयुक्त कार्यालय को आप देख सकते हो किस प्रकार से रोशनाई लगाई गई है ये विभागीय आयुक्त कार्यालय में। मैं आपको अगले चौक में भी लेके चलूंगा कि जहाँ पे रोशनाई लगाई गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और आपका आपकी जो मनोकामना है वो हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वो पूरी करेंगे, ऐसी हमें नागपुर वासियों को आशा है। हमें अपने लिए नहीं जीना, हमारे बच्चों के लिए जीना, इसलिए हम लोग इतना सोच रहे हैं। नहीं, हमारे बच्चों के लिए ही हमें जीना है, हमारे बच्चों का भविष्य ही हमको देखना है। हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए शिक्षा के हिसाब से, यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताओगे ये रोशनाई के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सालों से हम 35 सालों से हम रह रहे इधर साइड में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है, मतलब इतनी रोशनाई और अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है बस। देखो 35 साल से नागपुर में है लेकिन पहली बार उन्होंने देखे है कि इस प्रकार से रोशनाई नागपुर शहर में दिखाई दे रही है। और इस रोशनाई को देखने के लिए ये यहाँ पे नागपुर वासी यहाँ पे विभागीय आयुक्त कार्यालय आए हैं, नागपुर शहर में, पूरे नागपुर शहर में ये घूम रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी रात के 10:30 है और इस समय में ये जो नागपुर वासी है ये विभागीय आयुक्त कार्यालय में है, और उन्होंने बताया कि 35 साल बाद हमने पहली बार ये ऐसी नज़ारा देखा है। बताना चाहूँगा आपको कि अभी मैं इस वक्त पुराना हाईकोर्ट, जो नागपुर का जो पुराना हाईकोर्ट है वहाँ पे हूँ। और ये देखिए इस पुराने हाईकोर्ट के जो बिल्डिंग है ये हेरिटेज बिल्डिंग है, और इसको किस प्रकार से रोशनाई से सजाया गया है। ये यानी एक आप देख सकते हैं, ये तिरंगा की, तिरंगा जो होता है अपना देश की आन बान शान जो है तिरंगा, उसके रोशनाई यहाँ पे लगाई गई है, उस प्रकार से रोशनाई यहाँ लगाई गई है। और ये पुराना हाईकोर्ट है नागपुर का, ये पुराना हाईकोर्ट है, और ये G20
के माध्यम से जो C20 नागपुर में हो रहा है 20 से 22 तारीख तक के, इसलिए यहाँ पे ये पुराने हाईकोर्ट को ये रोशनाई लगाई गई है और इसे सजाया गया है। हम आगे भी आपको लेके चलेंगे, तो मैं आगे आपको फिर एक बार लेके चलूँगा, आगे का भी नज़ारा दिखाऊँगा कि और किस प्रकार से G20 के माध्यम से C20 का आयोजन जो नागपुर में किया गया है रेडिसन ब्लू में, होटल रेडिसन ब्लू में, मैं वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाऊँगा कि किस प्रकार से C20 का जो आयोजन नागपुर में किया गया है जो रेडिसन ब्लू में 20 से 22 तारीख तक के, कि इस माध्यम से किस प्रकार से नागपुर शहर को सजाया गया है, मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा नागपुर सिटी का। मैं आपको अभी इस जो पुराना हाईकोर्ट है उसका पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए किस प्रकार से ये नागपुर का ये जो है ये पुराना हाईकोर्ट परिसर है, हेरिटेज है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है ये पुराने हाईकोर्ट की। देखिए किस प्रकार से रोशनी लगाई गई है यहाँ पे, मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए ये पूरा नज़ारा आप थोड़ा दिखाइए, देखिए किस प्रकार से सजाया गया है ये पुराना हाईकोर्ट। G20 का माध्यम से C20 का आयोजन नागपुर के रेडिसन ब्लू में 20 से 22 तारीख तक के किया गया है और देश विदेश से यहाँ पे जो है ये अतिथिगण आए हैं और इसी माध्यम से C20 के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये जो है नागपुर शहर को पूरी तरह सजाया गया है। G20 के माध्यम से C20 का आयोजन नागपुर में किया गया और विशेष करके रेडिसन ब्लू में यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है C20 का। मैं आगे का भी नज़ारा आपको दिखाऊंगा। अभी हम पहुँचे हैं देश की एक विशेष जगह पर पहुँचे हैं, ये नागपुर में है, इसे हम झुरो माइल कहते हैं और ये देश का हृदय स्थल है। यहीं पर पूरा जो देश है भारत देश का यहाँ पर सेंटर है, ये झुरो माइल का है। आप देख सकते हैं ये स्तंभ जो है यहाँ पर झुरो माइल जो है, यहाँ पर झुरो माइल है मतलब देश का जो सेंट्रल है, सेंट्रल जो जगह है जो है देश की सेंट्रल की जगह ये है नागपुर में है। यहाँ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पे भी जाएंगे आप तो सरीका एक अंतर दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर आप वाराणसी भी जा सकते हैं, जबलपुर, कन्याकुमारी, कश्मीर, ये ऐसी जगह है, ये झुरो माइल की जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बढ़िया जो यहाँ पर लाइटिंग की है और ये एक महत्वपूर्ण ये नागपुर की जगह है। बाजू में जो है बहुत बड़ा वेलकम टू नागपुर द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया का जो एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया है वहाँ पर। नागपुर में जो अलग अलग जो ये है खास करके वो बताया गया है स्क्रीन के अंदर में, कस्तूरचंद पार्क बताया गया है, दीक्षा भूमि का चित्र बताया गया है, ये झुरो माइल का बताया गया। दादा कहाँ से हैं आप? हम यहीं के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? नागपुर के। अभी क्या देख रहे हैं? ये G20 सम्मेलन हो रहा है उसके लिए। थोड़ा गाड़िया जो है ऐसा मत लगाइए, गाड़िया जो है ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। हम थोड़ा ऐसा आएंगे तो थोड़ा हम आपकी भी प्रतिक्रिया आपको बता सकते हैं, कैसा लग रहा है आप नागपुर शहर घूम के? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बेहतरीन लाइटिंग की है गवर्नमेंट ने। कहाँ कहाँ घूम के आए आप? हम तो अभी वेस्ट हाईकोर्ट रोड जा रहे हैं। अच्छा, अभी एयरपोर्ट के पास से आए। एयरपोर्ट में क्या क्या है? बहुत बेहतरीन लाइटिंग किया हुआ है। अच्छा अच्छा, बढ़िया, खुशी का माहौल, वातावरण बहुत बढ़िया है ना, बहुत ऐसा एक हमेशा रहना चाहिए कि हमेशा रहना चाहिए। नागपुर अभी हमारा बहुत डेवलप हो गया है और हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है नागपुर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। माननीय नितिन गडकरी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, गडकरी साहब के यहाँ पर सराहना यहाँ हो रही है, बिल्कुल वाजिब है। गडकरी साहब का योगदान नागपुर को स्वच्छ सुंदर और अच्छा करने में बहुत बड़ा गडकरी का योगदान है। ये जो मैंने बताया है आपको, ये जो है
देश का हृदय स्थल है, झुरो माइल है, यहाँ पर हमने खास करके ये बहुत बढ़िया ये जो जगह जो है ये मतलब देश के जो जितने भी लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि हमारा देश का सेंटर रहा है, यहाँ से गिना जाता है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के यही ये जगह है। हमने आपको ये जगह बताया और भी हम थोड़ा आगे चल के आपको नज़ारा हम बताएंगे। हमारे जो सहयोगी है विजय कौशिक जी ने अभी जीरो माइल बताया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है ये जीरो माइल फ्रीडम पार्क है, यानी मेट्रो स्टेशन है ये, और इसी मेट्रो स्टेशन चौक पर आप देख सकते हैं ये जो है ये फ्लैग लगे हुए हैं G20 के माध्यम से। G20 का जो आयोजन है 20 से 22 तारीख तक के नागपुर में किया गया है, और ये जो फ्लैग जो लगे हैं अलग अलग देश के फ्लैग यहाँ पे लगाए गए हैं ये इस फ्रीडम जीरो माइल फ्रीडम पार्क चौक पर। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग देश के ये फ्लैग यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पे ये जो दीवार जो दिखाई दे रही है वहाँ पे अलग अलग पेंटिंग भी की गई है। ये क्यों की गई है? तो G20 के माध्यम से C20 का आयोजन 20 से 22 तारीख तक के नागपुर के रेडिसन ब्लू होटल में किया गया है, और देश विदेश से यहाँ पे अतिथिगण आए हैं। ये जो नज़ारा है उन्हीं के लिए ये सजाया गया है नागपुर को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि G20 का जो सम्मान जो है जो मान है ये भारत को मिला है, और भारत को ये गर्व है, और इसी माध्यम से C20 का आयोजन 20 से 22 तारीख तक के नागपुर में किया गया है। मैं आगे का भी नज़ारा आपको दिखाऊंगा। अभी हम खड़े हैं उत्तर नागपुर में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए आवड़े बाबू चौक का भी नज़ारा हमने आवड़े बाबू चौक भी हम घूम के आए, गांधी बाग भी घूम के आए, इंदौरा चौक पे तो अभी हम खड़े हैं, जरीपट का भी घूम के आए, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की रोशनाई नहीं लगाई गई है। सिर्फ जो रोशनाई लगाई गई है G20 के माध्यम से, जो C20 का आयोजन नागपुर में 20 से 22 तारीख तक किया गया है, जो रोशनाई लगाई गई है जो रोशनाई की गई है वो मात्र और मात्र सिविल लाइन में की गई है। लेकिन ये उत्तर नागपुर का नज़ारा है, उत्तर नागपुर में किसी भी प्रकार की सजावट की नहीं गई है, किसी भी प्रकार की रोशनाई लगाई नहीं गई है। मैं बताना चाहूँगा ये जो मार्ग है ये पेंच की ओर भी जाता है, ड्रैगन पैलेस की ओर भी जाता है। जो हमारे अतिथिगण जो देश विदेश से आए हैं वो ड्रैगन पैलेस की ओर भी जा सकते हैं, पेंच की ओर भी जा सकते हैं, जो टाइगर रिजर्व है वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अभी रात के 11:15 बजे है, और 11:15 बजे का ये नज़ारा है, और ये इंदौरा चौक का ये नज़ारा है। सिविल लाइन में रोशनाई लेकिन उत्तर नागपुर में रोशनाई नहीं। ये भी जबलपुर मार्ग है, ये कामठी रोड मार्ग है, पेंच की ओर जाने वाला ये मार्ग है, जो ऐतिहासिक ड्रैगन पैलेस है उसकी ओर जाने वाला ये मार्ग है। जो हमारे अतिथिगण हैं वो पेंच की ओर भी जा सकते हैं और ड्रैगन पैलेस की ओर भी जा सकते हैं। प्रशासन जो है, महानगर पालिका हो गया, जिलाधिकारी कार्यालय हो गया, जिला प्रशासन हो गया, इन्होंने इस जो उत्तर नागपुर का जो परिसर है उसे भी रोशनाई से सजाने को होना था, लेकिन नहीं सजाए। सिर्फ और सिर्फ सिविल लाइन, सीताबर्डी, जीरो माइल और एयरपोर्ट, इसी मार्ग को, विधान भवन, इसी परिसर को सजाया, जहाँ पे अतिथिगण रुके हुए हैं, जो कि G20 के माध्यम से C20 का आयोजन जो नागपुर में 20 से 22 तारीख तक के किया गया है, और जो अतिथिगण हमारे जो रुके हुए हैं उसी परिसर को जो जिला प्रशासन, नागपुर जिला प्रशासन, महानगर पालिका, इन्होंने वहीं पे रोशनाई से सजाया है। लेकिन इधर आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये उत्तर नागपुर का नज़ारा है, इंदौरा चौक का नज़ारा है, यहाँ पे
नागपुर जिला प्रशासन महानगर पालिका ने कोई भी रोशनाई नहीं लगाई है। तो हमने आपको सिविल लाइन का भी नज़ारा दिखाया जो रोशनाई का है, और हमने आपको ये उत्तर नागपुर का भी नज़ारा दिखाया है। तो ये जो है सिर्फ सिविल लाइन, ये ही नागपुर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो सिविल लाइन है वही नागपुर नहीं है। तो नागपुर में दक्षिण नागपुर, पश्चिम नागपुर, उत्तर नागपुर, दक्षिण पश्चिम नागपुर, पूर्व नागपुर, ऐसी ऐसी ये नागपुर शहर है। इसे भी नागपुर जिला प्रशासन महानगर पालिका ने सजाना था, और जो हमारे जो अतिथिगण देश विदेश से आए हैं उन्हें पूरा ये नागपुर का नज़ारा दिखाना था, ना कि सिर्फ सिविल लाइन का नज़ारा दिखाना नहीं। तो ये पूरे ये उत्तर नागपुर है, और उत्तर नागपुर में भी इस प्रकार का नज़ारा है। ऐसी अतिथिगण को हमारे जो नागपुर की आन बान शान जो है वो इधर भी दिखाना था, उत्तर नागपुर को भी दिखाना था अतिथिगण को। मैं बताना चाहूँगा कि G20 का जो सम्मान जो है हमारे इंडिया को मिला है, और G20 का सम्मान मिलने के कारण हमारे देश की शान बड़ी है, हमें भी गर्व है। लेकिन जो G20 के माध्यम से जो C20 का आयोजन 20 से 22 तारीख तक के नागपुर में किया है, उपराजधानी नागपुर में किया गया है, तो पूरे नागपुर शहर को रोशनाई से सजाना था। ये हम अपने दोनों चैनल के माध्यम से नागपुर शहर वासियों को बताना चाह रहे हैं। तो आप देखते रहिए WH News, IBM TV9 News। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।